आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू राइट अ थीसिस, पर्टिकुलरली हाई क्वालिटी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव थीसिस राइटिंग स्ट्रेटजीज। आज के सेशन में ज्यादातर डिस्कशन इन्वॉल्व है, कुछ हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे साइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मॉडल रिसर्च मॉडल को इजीली, क्योंकि अक्सर लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मॉडल को डिजाइन करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सब्स्टिट्यूट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी किस्म की फ्लो चार्ट डायग्राम, अपना थीसिस को किस तरीके से मुकम्मल किया, आपकी थ्योरी क्या कहती है, जितने कम्प्लेक्स किस्म के मॉडल्स हैं आप उनको कर सकते हैं, हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे। बिसाइड दैट जितनी भी आपकी रिसर्च स्ट्रेटजीज हैं जो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे जितना मैंने आज तक काम किया या काम करवाया उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से चीजों को हम कैरी ऑन कर सकते हैं अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो चीज जरूरी है किसी भी रिसर्च को करने के लिए या किसी भी रिसर्च को जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो ये है कि क्या हम रिसर्च करने के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं, क्या हमारे अंदर वो स्किल्स, क्या हमारे अंदर वो पैशन है कि नहीं है। तो जनरली मैं जब भी अपने पैशन को डेवलप करने की या पैशन को बढ़ाने की बात करता हूं तो मैं अपने जितने तमाम लोग जिन्होंने आज तक दुनिया में रिसर्च की, दुनिया में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया, मैं उन लोगों को याद करता हूं, उन लोगों की बातों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं कि मैं इस तरीके से अपने माइंड को यूज करते हुए दुनिया की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एडवांस कर सकता हूं। क्योंकि अगर रिसर्च ना होती तो आज हम यहां तक ना पहुंचते, फिर हम वही जमाना है जहलियत बोल लें या वो जंगली दौर की बात कर लें तो हम वहीं पर पहुंचे होते। तो इस बारे में वॉन न्यूमैन कहता है कि रिसर्च इज व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। कि जब आप काम कर रहे होते हो आपको नहीं पता होता कि काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता है काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन आप इस अजम्पशन के साथ चलते हो मुझे कुछ नहीं आता। जब इस अजम्पशन के साथ चलोगे फिर आप कुछ ना कुछ नई चीजों को बिगड़ करोगे, जब आप कहेंगे मुझे सब कुछ आता है फिर आप रिसर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल कहता है रिसर्च इज अ की टू अ लॉन्ग टर्म पोजिशन, इज अ की टू अ लॉन्ग टर्म पोजिशन। आप ये अंदाजा कर ले, मैं जब भी किसी को मोटिवेट करता हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप रिसर्च के साथ फिर आपको आपको जीने का दिल करता है। ठीक है दुनिया से मोहब्बत, बीइंग मुस्लिम दुनिया से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में रहने वाली मखलूक की खिदमत ये अल्लाह ताला ने हमें फरीजा सौंपा है। तो जब आप रिसर्च में माल होते हो फिर आपका दिल करता है कि मैं अपनी चीजों को, अपने माइंड को इस मखलूक के लिए, खल्क़े खुदा के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। फिर आपको लॉन्ग टर्म पोजिशन को सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ता है। आप रिसर्च आपको विजन देती है, लॉन्ग टर्म विजन देती है। उसके बाद फ्रैंकस बैकन कहता है इट अपीयर्स एट फर्स्ट इनक्रेडिबल दैट एनी डिस्कवरी शुड बी मेड, हम पहले सोच रहे होते एंड व्हेन इट हैज बीन मेड इट अपीयर्स इनक्रेडिबल दैट इट शुड सो लॉन्ग हैव स्केर्स मेन रिसर्च ऑल ऑफ व्हिच आर force good reason for hope that a vast mass of invention yet remains। आप जैसे जैसे चीजों को बनाते चले जाते हो आपकी अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप होना शुरू होता है। जब मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया टू बी वेरी फ्रेंक टॉपिक ढूंढना, मैं कहता हूं दो माह से मुझे टॉपिक फाइंड पड़ेगा, जो भी इनिशियल स्टेजेस पे उनको भी काफी अंदाजा होगा, लेकिन आज मुझे टॉपिक पे ढूंढने की बात करता हूं तो मेरे पास हजारों टॉपिक्स हैं। पर बात यह है कि मैं किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, किस फील्ड में मैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हुए नॉवल चीजों को लेके आ सकता हूँ, डिपेंड ये करता है, इसमें आपकी अपनी चॉइस है। तो जब भी आपने किसी भी रिसर्च टॉपिक को पकड़ना है मैं बार बार कहता हूं किसी से कभी भी ना पूछे मैं रिसर्च टॉपिक दें, अपने रिसर्च टॉपिक को एक्सपेंड करें, अपने माइंड को यूज करें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी से रिसर्च टॉपिक की डिमांड करते हैं वो वही टॉपिक होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है प्लस जिस मेथोडोलॉजी में वो एक्सपर्ट होता है। हम क्यों कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने रिसर्च को कंडक्ट करवाना है तो आप लोग सबसे पहले रिसर्च मेथड को स्ट्रांग करें। मेरी एक्सपर्टीज अगर मैं अपनी जाती है में बात करूं, मेरी एक्सपर्टीज अगर रिसर्च में डेवलप हुई है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि मेरा रिसर्च मेथड में ग्रिप होना, उसके लिए मैं जितना मैक्सिमम जितना इंडेप जा सकता था मैंने कवर किया। क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रांग रिसर्च मेथड आप लोगों के होंगे उतना ज्यादा आप इजी टॉपिक ढूंढने में होंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आप उस रिसर्च को मुकम्मल नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपके रिसर्च मेथड्स वीक हैं।
मैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रखें मैं उसके अंदर बताऊंगा क्वालिटेटिव होनी है क्वांटिटेटिव होनी है. अब क्वालिटेटिव कहने के बाद हम क्वालिटेटिव के साथ खत्म नहीं कर देते. क्वालिटेटिव में एथनोग्राफी होनी है, ग्राउंडेड थ्योरी होनी है, केस स्टडी होनी है, सेमियोटिक्स है, हर्मेनिटिक्स है, आप लोगों की एनालिटिकल इंडक्शन है. ये डिपेंड करता है कि आपका मेथड कौन सा है. अगर आप दूसरी तो क्वांटिटेटिव में जाते हैं तो आपने थ्योरी को टेस्ट करना है, प्रूव करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लोर करना है कौन से मेथड कौन सी टेक्निक्स लगी है. और अगर हम बात करते हैं कि भाई जहां पे हमने प्रेजेंट करवाना है, जिस जगह पे हम लोगों ने रिसर्च को लेके चलना है, तो क्या हम वहां पर अपने पेपर को पब्लिश करवाने में कामयाब हो भी पाएंगे नहीं. तो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जिनको आज हम काफी सारा बंच ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है स्टेप बाई स्टेप. पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी रिसर्च के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एमफिल लेवल पे है चाहे वो पीएचडी लेवल पे है, वो है आपकी रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी पे ग्रिप होना. अगर ग्रिप होगी तो आप कामयाब होंगे. उसके लिए जरूरी क्या है, आप जितने मैक्सिमम रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप उनको पढ़े तो आपको उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा. अब हर्सल मैक्सिम कहता है ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी. All progress is born of inquiry. Doubt is often better than overconfidence. For it leads to inquiry and inquiry leads to invention. तलब आपकी सोच, आपके जहन में क्वेश्चन. जब भी आप लोगों के अंदर एक काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले क्वेश्चन डेवलप होता है. एक बंदा कहता है हाँ मुझे सब कुछ आता है, जब वो कहता है मुझे सब कुछ आता है, इट मीन वो कोई इन्वेंशन करने वाला नहीं है. लेकिन जब आपके अंदर तलब होती है, जब आपके दिल में क्वेश्चन होता है, जब आपके अंदर सोसाइटी का कोई भी इशू प्रॉब्लम हल करना चाहते हैं, चाहे वो अप्लाइड साइड का है चाहे वो नेचुरल साइड से साइड का है, लेकिन फर्स्ट ये है कि आपके दिल में क्वेश्चन है. अगर क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर ढूंढेंगे और आंसर ढूंढेंगे तो अल्टीमेटली आप इन्वेंशन करेंगे. इशू ये है कि हमारे जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च करिकुलम है वो नहीं है बिफोर बैचलर. बैचलर के बाद हम रिसर्च करिकुलम को इन्वॉल्व करते हैं. हालांकि रिसर्च हमारी हम बाई बर्थ रिसर्चर हैं. तो मकसद से बात करने का कि आपने रिसर्च को इन्वॉल्व करना है हर लेवल के अंदर. नो डाउट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अपनी तालीम में, मैथमेटिक्स में भी रिसर्च इन्वॉल्व थी जिसमें हम लोग टेस्ट करते थे मुतल मैथमेटिकल करते थे. अगर आप साइंस की बुक उठा के देखें पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस की टेस्टिंग इन्वॉल्व थी. पर्टिकुलरली बायोलॉजी के अंदर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करने के वाले से एग्जांपल है. लेकिन वो हमें सिर्फ इस पढ़ाई जाती थी कि ये हुआ है उसके अंदर, तो इन डेप्थ नॉलेज डिस्कशन की बात नहीं थी कि हमारे जहन को उस तरीके से बिल्ड नहीं किया गया था, माइंड को उस तरीके से बनाया नहीं गया था कि हम लोग रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझ सकते. तो सबसे जो ज्यादा बेहतरीन चीज क्या है कि आपका जहन इस तरह का तैयार किया जाए कि आप क्वेश्चन करने वाले बने. अब उसका बेहतरीन हाल क्या होता है कि जब एक प्रोफेसर अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा हो तो उसको चाहिए कि अपने स्टूडेंट को प्रमोट करे को आपसे क्वेश्चन करें. लेकिन यहाँ पर ऐसा कल्चर ना होने की वजह से हमारी वो स्किल नीचे रह जाती है. रिसर्च तभी हम कर पाते हैं जब आपके जहन के अंदर क्वेश्चन आते हैं. आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतना ज्यादा अपने टॉपिक पे क्लियर होते जाओगे. अब चूंकि एमफिल लेवल या पीएचडी लेवल के सुपरवाइजर ने सिर्फ आपको गाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन आपने करना है. आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, आप खुद से क्वेश्चन करेंगे. उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां से हम आंसर ढूंढ सकते हैं. हमारे यहाँ पर कर्नल साहब अक्सर कहते होते हैं कि गूगल इज द फादर ऑफ एवरीथिंग. आप उसको कुछ भी क्वेश्चन करो वो आपको उसका आंसर का रिप्लाई करेगा. बस प्रॉब्लम यह है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो. एक आथर की कोट भी है, इफ योर क्वेश्चन इज ट्रू एंड होनेस्ट आंसर विल फाइंड यू. यू विल नॉट फाइंड आंसर, आंसर विल फाइंड यू. अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है तो डिपेंड सबसे मेन जरूरी कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है. रिसर्च क्वेश्चन होगा आप उसके ऊपर रिसर्च करने में कामयाब हो जाएंगे. ओके, आया रवि कहता है व्हेन एवर वन ऑफ माय स्टूडेंट केम टू मी विद अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट आई आस्क ओनली वन क्वेश्चन, विल इट ब्रिंग यू नियरर टू गॉड. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई पर्सनली विटनेस एंड पर्सनली यू कैन से टेस्टिफाई कि मैं समझता हूं जैसे जैसे मैं रिसर्च करता जा रहा हूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का करीम होता जा रहा हूं. हमारी सोच में हमारी चीजों में बेहतरी आती जाती है. आप इंडिविजुअली एथिक्स अप्लाई करने की बात करते हो, आप नेचर की ब्यूटी को समझने की कोशिश करते हो, ये बिलीव बढ़ता चला जाता है कि कुछ ना कुछ छुपा पड़ा है. तो ये वो राज है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बड़ी फेमस एग्जांपल है कि
आर बेसिक स्टैटिस्टिक बेसिकली टू फाइंड आउट द हिडन थिंग्स, मतलब अल्लाह के राजों को जानने का नाम स्टैटिस्टिक्स है. तो ये रिसर्च बेसिकली अल्लाह ने हमारे सामने पर्दे डाल दिए, पर्दे जर्नी अकल पे पर्दे डाल दिए. आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यू आर फिनिश्ड दैट. आप 100 ईयर बिफोर चले जाएं, ना इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था, ना फ्लाइंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, ना मूवमेंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, ना कन्वर्जेशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट था. अगर हम लोग रिसर्च ना करते तो आज इस पोजिशन तक हम कभी भी ना पहुंच पाते. और हमारी रिसर्च किसी एक डिमेंशन में चल रही है. अगर आप आज से पहले लोग यहाँ पे बात थे, अगर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें तो उसमें बड़े बड़े अजीब किस्म की चीजें मिलती है जिनको हम बिलीव नहीं करते. लेकिन मिथ तो है, कोई चीज होती है तो लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको बयान करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है, अगेन व्हाट इज योर क्वेश्चन, इफ योर क्वेश्चन इज टू योर आंसर विल फाइंड यू. एलन लेकिन कहता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिसर्च. हम आज भी जब रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग प्लान नहीं करते. हमारी कोशिश होती है, यूनिवर्सिटी एक नोटिस लगाती है नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपका प्रपोजल डिफेंस है तो हम बाद में शुरू कर देते हैं प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल, कहीं से प्रपोजल को नंबर मिलता है. पहला हमारा काम ये होता है, जब प्रपोजल बन जाता है फिर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने शुरू कर देते हैं. प्रपोजल डिफेंस हो गया, अब उसके बाद आपको परमिशन देते हैं यूनिवर्सिटी जाइए और अपने रिसर्च पे काम कीजिए, अपने सुपरवाइजर से मिलिए, काम कीजिए. लेकिन होता क्या है कि 6 माह, 8 माह, 10 माह, 15 माह गुजर जाते हैं, सुपरवाइजर भी आपके सुपरवाइजर बिजी ही बिजी का उसमें आपको सुपरवाइज नहीं करना, उसके पास बाकी लोग भी मांग है. लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि आपके अलावा उसका टाइम दिए जा, रिसर्च आपकी, क्वेश्चन आपका, प्रपोजल आपका था, उसने कहा था कि मैं इसको सुपरवाइज करूंगा. लेकिन जब आप टाइम नहीं देंगे, फिनिश्ड, इट मीन कि आप अगर प्लान नहीं करते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिसर्च, फेलिंग टू प्लान इट मीन यू आर गोइंग टू प्लानिंग टू फेल. सिंपल थिंग. मैं ये कहता हूं पीएचडी करनी है आपने या फिर करना है, जस्ट डिजायर ऐसे कह छोड़ डेली मैंने कितना काम करना है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को मैंने डेली लिखना है, कितने रिसर्च पेपर्स को मैंने पढ़ना है, एक वीक में मेरी आउटपुट क्या होगी, विद इन वन मंथ मैंने कौन सा गोल अचीव करना है, आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ की मेरे टोटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आपका कभी भी अच्छी रिसर्च की तरफ मूव नहीं कर सकते. प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट कहता है कि वर्क्स आर ऑफ वैल्यू ओनली इफ दे गिव राइज टू बेटर वंस. काम कभी अच्छा है जब आप नई चीज को अच्छी चीज आप वर्क करेंगे. अगर आपकी रिसर्च दुनिया में कोई बेहतरी लेके नहीं आ रही, यकीन जानिए ये वेस्टेड टाइम, आप कुछ भी नहीं करने वाले. ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, मेरी रिसर्च करनी. आज भी जब किसी स्टूडेंट से टॉपिक के बारे में पूछा जाए वो टॉपिक बोलता है एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट फला 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 फला, वो ये कसर ऐसी से कि वो कह सके. मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने जो रिसर्च किया फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को या टेंथ क्लास के स्टूडेंट को समझाने का, आपने काम क्या किया या उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बेहतरी आएगी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था. रिसर्च क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन का मतलब कि आपने सोसाइटी का एक मसला पकड़ा, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन रेज किया एंड यू आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. इफ यू अनेबल मी आर दैट दैट यू वेस्टेड योर टाइम. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कौन सी चीज दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं आप पूछ सकती है. और अलमिया पाकिस्तान का ये है कि यहाँ रिसर्च कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, हम बात रहे हैं इंपैक्ट फैक्टर के पीछे. और जनरली जिन लोग हम टॉपिक्स की बात करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमी मैनेजमेंट रिव्यू, एकेडमी मैनेजमेंट ऑफ जर्नल, मुख्य जो बड़े बड़े जर्नल हैं उनके पेपर पकड़े हुए हैं, जो उन्होंने बाबों ने प्रोफेसर ने 90-90 साल की उम्र में जाकर वो पेपर लिखे हैं और उस पेपर को पढ़ के हम लिखने की कोशिश करते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि वो जो पेपर है वो उनके उन लोगों ने अपने जर्नल स्टार्ट किए हुए हैं. आज हम सब मिलकर जनरल स्टार्ट करते हैं 50 साल बाद उसके भी 50 वॉल्यूम होंगे, वो भी इंपैक्ट फैक्टर में होगा. और फिर मेरा जनरल मेरा पेपर पब्लिश करें, हाउ इज इट पॉसिबल. तो मकसद सिर्फ ये है कि हमारा फोकस जो हमारे ऊपर थोप दिया गया कि हमने इंपैक्ट फैक्टर की बात करनी है, हम इंपैक्ट फैक्टर के पीछे बात. हम ये नहीं कह रहे कि मेरी रिसर्च की वजह से मेरी कंट्री को, मेरे टाउन को, मेरी सोसाइटी को, मेरे सिटी को क्या बेनिफिट नहीं हमारा. अगर आप इसे बेनिफिट नहीं दे रहे तो फिनिश. मैं जनरली इन फ्रंट ऑफ यू मैं नहीं कहता कि मेरी पब्लिकेशन काम है तो मैं सही से बात करूं. मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है
मेरी रिसर्च ने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो फायदा क्या। और जल्दी मेरा भी वैसे कॉन्सेप्ट था, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने आगे किसी डेनिश नेशनल के साथ बात की, तो कहते हैं हमारे अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं इम्पैक्ट कुछ करता, जो चर्च अच्छे हैं वो अपनी वेबसाइट डिजाइन करता है, वो अपनी रिसर्च को पब्लिश करता है। और मैं कहा मैं तो ये प्रोसेस में चल रहा है मेरा भी, अपनी वेबसाइट डाली, उनका ये कॉन्सेप्ट चले जो भी था, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया ने इसी पे शिफ्ट होना है। तो कौन होता मेरा जनरल मेरे काम को सेस करने वाला और पब्लिश करने वाला, वो तो फैक्ट्री है पैसे कमा कर दे रही, अगर जनरल नहीं होंगे, जनरल नहीं होंगे हमारा तो पेपर चाह दिया आगे वाले यूनिवर्सिटियों से कॉलेजों से पैसे लेके खा रहे हो, पब्लिशिंग हाउसेस हैं, आप अपना पब्लिशिंग हाउस बना लो, आप अपना ही जगह बना लो, आप अपना ही पेपर साल बाद एक आगे में दो, आप महीने का पेपर एक ही पब्लिश, दूसरा पेपर पब्लिश नहीं करना, अब अपने अपना जगह बना लो, अपनी वेबसाइट पे दो, एक दिन आएगा जब आपका अच्छा काम होगा तो दुनिया साइट करेगी, दुनिया फॉलो करेगी, दुनिया पढ़ेगी, दुनिया करेगी, और उन्हें रेफरेंस देना ही देना है, अगर उन्होंने आपकी बात पे कोट करना रेफरेंस देना ही देना है, आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, अपना पब्लिशिंग हो उसमें क्या जाता है, लिखने में जाता है ना, मतलब अगर मैं जो आदर का पब्लिशिंग सीरीज नीचे जनरल ऑफ बिजनेस प्लान लिखते थे वो मेरे, आप ना किसी का पेपर पब्लिश करें, इसका मतलब क्या है, 2-10,000 पेपर आया तो पेपर एक पब्लिश किया, मकसद सिर्फ यह है कि आपकी रिसर्च जब वो पढ़े तो कहे कि वाकई सोसाइटी का मसला हम लोग, लेकिन हम अफसोस के साथ हम लोग बार्गेनिंग करते के पीछे, क्योंकि प्रमोशन उससे जुड़ी हुई है, वो 1,000-2,000 का बेनिफिट से जुड़ा और लोगों को मैं समझ गया हूँ, हम उस रिसर्च को डायरेक्शन में कारण देंगे। तो मैं बात बात में भी कह रहा हूँ वो है कि टॉपिक का आपका मेन जरूरी है कि आपका टॉपिक क्या है और आप जहाँ पे रिसर्च करना चाहते हो उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा। उससे सिमरसन कहता है द डिफिकल्टी ऑफ लिटरेचर इज नॉट टू राइट बट टू राइट व्हाट यू मीन, हर बंदा लिख सकता है, हर बंदे को कहानी लिखनी आती है, हर बंदा लिटरेचर पढ़ के लिख लेगा, आप क्या कहते हैं मुझे दें 2-3 दिन के अंदर पेपर लिख दूंगा, क्वालिटेटिव में लिखने का मसला इधर देखें पेपर करना है, क्वांटिटेटिव में अगर आप डाटा लेके आ सकते हैं 200 बंदे का एक हफ्ते में पेपर लिख देंगे, इम्पैक्ट फैक्टर लेवल पर पेपर लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है इसके अंदर, मकसद सिर्फ ये है व्हाट यू मीन। आज का बड़ी मादे साथ थोड़ा सा मैं इस पर बड़ा सख्त बात बोलता हूँ कि हमारे मुल्क का मसला सब ये है, यहाँ हर बंदा मुंह उठाकर बात उठाता है, सच नहीं उसकी, चाहे हम उसको रिलीजन पे बात करें, चाहे हम उसको टेररिज्म पे बात करें, चाहे हम उसको पॉलिटिक्स पे बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हाट यू मीन, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व। हमारा कोई भी मुल्क का पेटेंट नहीं है, जिन लोगों के हम उठा के ले गए वेस्टर्न वर्ल्ड उठा के ले गई हुई है, तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि आप अपने अंदर ये चीज डेवलप करें कि मैं जो ये कर रहा हूं उससे क्या होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, उसकी इंप्लीकेट करें रिसर्च को, नो रिसर्च इंप्लीकेशन नो रिसर्च, आप रिसर्च नहीं कर सकते, इट मीन इंप्लीकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो आप लोगों ने करनी है, वो हर हाल में आप लोगों ने करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेचर रिव्यू कॉपियां बनना सफे लिखना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने जो लिखा है उसकी वजह से लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है, आप किस तरीके से चीजों को बेहतरी की तरफ जाकर लेके जा सकते हो। आप इस बात कहता है रिसर्च नीड्स एन इंक्विजिटिव माइंड व्हिच इज नेवर सेटिस्फाइड विद द करंट सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब आप किसी भी बंदे ने सर्च की हो कह देते हाँ आई एग्री विद हिम, बात खत्म, आप सर्च नहीं कर रहे, यू हैव टू डिसएग्री, यू हैव टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू शेयर योर व्यू आप जब उसको चैलेंज करोगे किसी भी मिथ को तो अल्टीमेटली आप नई डिमेंशन के अंदर सोचना शुरू कर दोगे। अगर आप किसी के हाँ पे हाँ मिलाते जाते, एक बार कहता हाँ भाई हम नहीं हवा में उड़ सकते तो आज हम वाकई से मीन बनने चल रहे, हम कभी भी ट्रैवलिंग जो है वो बाई एयर ना करते, कुछ थे पावर थे जुनूनी थे जिन लोगों ने काम किया इसको लेके आए। इसी तरह बिजनेस के अंदर भी आप देखें, हम खुले आसमान के नीचे बैठे क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई हैव वी आर चूजिंग अ रूम, अ साइलेंट एनवायरनमेंट, लाइटिंग, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी बातें तो मैं आपको नोट से भी पढ़ा सकता हूँ, व्हाई आर वी यूजिंग दीज टेक्निक्स, इन माय परसेप्शन देयर हैव मोर पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर माइंड,
अभी सारी चीजें क्या है कि सोच है, जब आप क्वेश्चन रेज करेंगे तो अल्टीमेटली आप लेके उसको भी चलेंगे। आप जर्मन कहता है इन साइंस सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज डेथ, इन साइंस सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज डेथ, पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ द साइंटिस्ट। ये बात समझिएगा आपस में, जितना इन साइंस सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज डेथ, पर्सनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ द साइंटिस्ट, कलेक्टिव सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द डेथ ऑफ द रिसर्च। इट इज द रेस्टलेसनेस anxiety, dissatisfied agony of mind that nourish science. जब तक आपकी जिंदगी में, हमारे प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर अली साजिद कहते हैं, जब तक जिंदगी में इस्तराब नहीं ना आता, आप मुस्तैद नहीं होते, आपके अंदर कुछ है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, तब तक आप आगे नहीं चल सकते, रिसर्च नहीं कर सकते। आपके दिल में पेन होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए उस सोच को लेकर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। आपकी रिसर्च ने अगर आपको सुकून दिया है, इट मीन आप रिसर्च नहीं कर रहे, रिसर्च चाहते हैं। क्योंकि देखिए, गुमनाम पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर गुमनाम बनना हमारे हाथ में। इट मीन यू हैव टू डू समथिंग, जिसकी वजह से आपके मरने के बाद सोसाइटी जाते है। और बीइंग मुस्लिम, इसमें स्ट्रांगली कहते हैं मरने के बाद, है कि मरने के बाद अगर कोई बंदा किसी की तारीफ कर दे तो उन्हें कसम खाई थी, कसम खाई थी ये बंदा जन्नत में जाएगा। सारी चीजें खत्म, सिर्फ उसकी मरने के बाद उसकी चिर उल्फात तारीफ कर दे। वो कब होगी? जब आपने सोसाइटी को बेनिफिट दिया होगा, जब आपने सहूलत दी होगी। तो अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, सेटिस्फाई देंगे, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, फिर आप आएंगे वो, जब इज्तराब आएगा फिर आप चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगी, फिर आप सोचेंगे। तो आपने जिस टॉपिक पे काम करना है वो क्या है, वो क्या सोसाइटी में चेंज, मैं बार बार कह रहा हूं, वो क्या सोसाइटी में चेंज लेके आ सकता है। छोड़े छोड़े छोड़े, हम नहीं बात करते वो पाकिस्तान की है, वो हम नहीं बात करते वो लाहौर की है। आप अपने एक इंस्टीट्यूट के अंदर चेंज की बात कर दो, दिस इज आल्सो रिसर्च। ये डिपेंड करता है कि मेरी थ्योरी माइक्रो लेवल की है, आप पढ़ेंगे आगे, मेरी थ्योरी मेसो लेवल की है, मेरी थ्योरी मैक्रो लेवल की है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस टॉपिक को, किस इश्यू को पकड़ के रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, ऑलमोस्ट नोबडी विल रीड यू एनीवन थीसिस वंस यू कंप्लीट इट। ये सबसे पहला बिलीव आपने अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक थीसिस आपके पास है, कोई भी नहीं पढ़ने वाला, उसकी कोई वर्थ नहीं। आप जब चीजों को मुकम्मल कर रहे होते हो, हमें बताया यार मेरा वर्क है, यार क्या परेशानी हो जाए, तो ऐसे मतलब कहने का यह है कि आपके जहन में जो भी आता है उसे लिखते चले जाओ। इशू क्या, हम लिखते नहीं, हम बातें बहुत करते हैं, डिस्कशन बहुत करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके नहीं जाते। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट नो बॉडी विल रीड यू, सो व्हाट यू गोइंग टू डू, आपको लिखना है। क्या लिखना है? कहता है यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन सम एरिया, मतलब किसी भी एरिया में, सो टू शेयर व्हाट यू हैव लर्न, यू नीड टू प्रेजेंट दैट मटेरियल टू पीपल इन वे दैट कैन डाइजेस्ट गिवन देयर बिजी लाइव्स, यू नीड टू मेक इट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड। हमारा क्या होता है, कॉपी पकड़ा, उसको वो रिफ्रेजिंग किया, उसको प्रेजेंट करने की बात कर, वही मैंने आपका थीसिस बार बार कह रहा हूं, अपने लिए तो करो, अपने लिए तो लिखो। मुझे मालूम है कि आज मैंने एमफिल के थीसिस में वो चीजें जिनको मुझे पुस्तकों के ठीक करना चाहिए था, आज वो जा चुका है, प्लेजरी में जा चुका है, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, मुझे गलती नजर आती है, शर्मिंदा होता हूं, क्योंकि उसको बताने वाला कौन नहीं था, इसको लिखना कैसे है, हमें तो लिखना सिखाया गया था। मास्टर कर लें, फिर कर लें, आप किसी भी स्टूडेंट को दे दें कि एप्लीकेशन लिख दो लीव की, वो आज भी वही चीज लिखी जो अपने बचपन में सेकंड क्लास में पढ़ी थी, हम अपने साथ कन्वर्सेशन करते हैं उसको कैसे लेके चलना। तो आपने थीसिस जो लिखना है वो लोगों को इस तरह बताना है वो डाइजेस्ट हो सके। हमारे यहाँ में ये कहता है जागरण करो, क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भाई आप उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन हो उसमें रिसर्च। और रिसर्च तब होगी जब आप बता रहे हो लोगों को इसका फायदा क्या है, क्योंकि कहानियां डाली है वो बड़े लोग लिखेंगे, वो तो 2 रुपए वाला मसाले में भी किसी ने कहानी की जमा करवाई होती है तो पब्लिश भी होती है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपने लिखने पे, कैपेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। सो व्हाट द फाइनल आउटकम इज, यू नीड टू राइट व्हाट यू डू।
and you need to write it in a format that other can understand and appreciate in a reasonable number of pages. Okay, research सारे करते हैं. अब इसके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको research एक proper format में पहुंच जाना है. अभी हम जब आते हैं lecture write करेंगे, मैंने दो papers की बात की है, famous paper, impact factor जिन्होंने कि लोगों ने जो उसमें कहा है कि किस तरीके से qualitative research का format होना चाहिए, किस तरीके से quantitative research का format होना चाहिए. Format नहीं होगा हम आप research को नहीं पढ़ सकते. जितनी भी डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च होती है जिसमें चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है उसका मेन इशू यही होता है कि उसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है. लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें नहीं चाहिए. हमें वो रिसर्च चाहिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें टेक्निकल हों. जिन चीजों में टेक्निकल होता है लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं जब हम चीजों को एविडेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया होता है लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता. तो आपकी जितनी भी मीडिया की जो उतनी भी रिपोर्ट्स आती हैं ये सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और उसको ब्लीक काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने अपने थीसिस रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना है तो उसको आसान लैंग्वेज में किसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने लेके जाना है. जब आप देखें तो वर्डिंग भी वही रहे जब हम कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी लेके आने का जैसे हिंदी लैंग्वेज में लेके तो किसी स्कॉलर ने बात के लिए कहते हैं कि इसको चेंज भी ना करें ये मीनिंग भी वही रहे लेकिन उसकी वर्डिंग पे जब हम पेपर्स पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उन्होंने वही बार बार वही लाइनें लिखी होती है. जब ये तलवार नहीं थी उस वक्त भी पीएचडी होती थी. अब वो दो नंबरी वो लोग जो दो नंबर करते हैं जो एक नंबर से दुनिया आज भी याद करती है टेस्ला एडिसन आइंस्टाइन डॉक्टर अब्दुल कलाम याद करती है लोगों को. क्यों याद करती है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया था. अल्टीमेटली किताबों में आती है किताबें लोगों के रेफरेंस से बड़ी पड़ी है. कोटेशन देने का मतलब ये अल्फाज नहीं है मेरे अल्फाज ये है पर विद सम लॉजिक. कहने का मकसद क्या है कि आपको इस चीज से पहचान नहीं करते मेरे मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए. और थीसिस में तो पर्टिकुलरली आपको बहुत सारा रेफरेंस बहुत सारे सोर्सेज जो है जिनको इन डिटेल में लिखना होता है थीसिस के अंदर एज कम्पेयर टू रिसर्च पेपर में आप कह सकते हैं इन बातों को कंट्रोल कर लिया जाए. उसमें भी लिमिटेशन इतने पेपर हो सकते हैं इतने हो सकते हैं. इसलिए मैंने बोला ये सारी लिमिटेशन क्या है थीसिस पब्लिश नहीं पेपर पब्लिश नहीं होगा. यही अगर आप अपनी वेबसाइट पर आए आप अपना जर्नल बना रहे हो जिस तरह मर्जी प्रेजेंट करके लिखें कौन है नौकरी वाले एक बात है ना सर कि हर बंदा अपना जर्नल स्टार्ट कर ले. हम नहीं किसी जर्नल में जाते आज वॉल्यूम 1 है 2 साल बाद वॉल्यूम 2 होगा 3 साल बाद वॉल्यूम 3 होगा 4 साल बाद वॉल्यूम 4 होगा. हमें जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की. हमें जरूरत ही नहीं है. आपको पता है आपने क्वालिटी काम किया हुआ है आपको पता है आपने उससे क्या डेवलपमेंट की. तो आप अपना अपना मैसेज क्या रहा आप अपना जिला स्टार्ट कर दें. रिसर्च आपको आज फायदा बेनिफिट पैसे की बात नहीं कर रहा लेकिन उसको फायदा 10-15 साल बाद होगा. लेकिन जब आपका कोई जनरल होगा आप तक ही करेंगे. हमारे यहाँ देने सर करना मुश्किल है तो कोई मतलब नहीं है यार. आप अपना पेपर देखो रिसर्च गेट पे डाल दो उसे गूगल स्कॉलर से जिस तरह ऑनलाइन इंडेक्सिंग होती है वो फ्री है सारा कुछ इंडेक्सिंग करवाओ और अपने पेपर को आई एस एस एन जारी करवा दो दूसरा सब कुछ फ्री है. कोई पेड सर्विस नहीं है इसके अंदर कोई बड़ी वो मसला नहीं है. मकसद सिर्फ यह है कि ये इसके लिए हिम्मत चाहिए. मैंने नहीं गई पब्लिश करी मेरा अपना जनरल होगा हम ये देखते हैं कि पेपर मेरे रिलेटेड है कि नहीं है. आप जो रिसर्च कर रही है कि वो रिसर्च मैंने कंडक्ट की मेरे साथ कल्चर में बाहर कितने सारे प्रोजेक्ट हुआ हो तो आप उसको साइन करना ही करना है. उसका तल्लक नहीं है कि आपने किस इंपैक्ट फैक्टर से उठाया. ये हमारे अंदर चीजें शामिल करती है इंपैक्ट फैक्टर पेपर ये फजूलियात है. सारी फजूलियात है सिर्फ रिसर्च के उस पैशन को उस कल्चर को खत्म करने के लिए.
अगर मेरा टॉपिक अच्छा होगा आप लोग के लिंक्स होंगे उसको साइड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको दर्ज करने के लिए, मैं किसी दूसरे विजिट देने के लिए जाऊँ ये काम करने। तो चले हम बात हम ये कर रहे थे जिसको हम फाइनल करते हैं कि आपने जब रिसर्च को कंडक्ट करना है तो आप इन चीज़ों से आज़ाद होकर सोसाइटी कंट्रीब्यूट की बात करें। अब आपको जो सबसे बड़ा टिप देता हूँ, पर्टिकुलरली अगर ये एम फिल है तो उनके लिए एक रिसर्च पेपर अगर पी एच डी में दो तीन से चार रिसर्च पेपर, आप कभी भी थीसिस को थीसिस समझना चाहते हैं आप ये समझें कि आपका वो रिसर्च पेपर है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आप रिसर्च पेपर को मुकम्मल करना चाहते हैं, थीसिस मुकम्मल करना चाहते हैं इन टाइम, तो वो वाला रिसर्च जर्नल ढूंढें या रिसर्च कॉन्फ्रेंस ढूंढें जिसने उस छह महीने के अंदर कंडक्ट होना है, क्योंकि आपका सुपरवाइजर आपसे ज्यादा लूजर है, डीलर हो वो आपको टाइम नहीं देगा। अब आपने काम मुकम्मल करना है और आपकी रिसर्च की जब तक रिग्रेशन नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते, तो उसका हाल फिर क्या है, उसका आंसर ये है कि आप अपना टाइम जो है उस रिसर्च जनरल की डेडलाइन को फॉलो करते हो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहता हूँ, आपने जब काम करना है आप किसी जनरल को पकड़ लो कि जो छह महीने में पेपर देता है, उन्होंने टॉपिक अनाउंस किए हुए या कुछ भी है, आप उसको दे दीजिए। आपने भी रिसर्च आपका अप्रूवल हुआ, आप किसी भी एक कॉन्फ्रेंस पकड़ लेंगे, मैंने फ्लॉ कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर भेजना है। देखिए पेपर में थीसिस में फर्क है, पेपर आपका 10,000 वर्ड का होता है, थीसिस आपका 20,000 वर्ड का होता है। पेपर में आप एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हो, टीचर की दो डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हो, थीसिस में 4 से 5 डेफिनेशन है, इसमें आपने 102 रेफरेंस का जिक्र करते हुए बताना होता है कि प्रीवियस में लिटरेचर सपोर्ट देनी होती है, थीसिस में 4 से 5 रेफरेंस देने होते हैं, इसमें आपकी डिस्कशन लिमिटेड होती है, उसमें डिस्कशन आपकी एक्सटेंसिव होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस को पकड़े, कॉन्फ्रेंस का होने का मकसद भी होता है, किसी ने ऐसा पूछा है कि हम कॉन्फ्रेंस क्यों करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कॉन्फ्रेंस, ताकि वो जो न्यू इंक्रीमेंट जो नए रिसर्चर हैं उनके अंदर पैशन डेवलप हो, वो पेपर लिखने से पहले कहीं खड़े होकर फोरम पे बोल सके, लोग क्वेश्चन करें, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव आता ही नहीं है, आउटकम आता ही नहीं है लोगों के अंदर, के यहाँ पे सर कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने इतने पेपर इकट्ठे किए, दुनिया कितने लोगों ने साफा किया, ये किया वो किया, सबका मसला आ जाता है, वो अपनी मैन को बरकरार रखने के लिए बेसिक कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि तमाम स्टूडेंट को भाई हमें थीसिस ना जमा कराओ, उस पेपर पब्लिश करवाओ, इसलिए कॉन्फ्रेंस होती है कि आपके जब स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस होगी, स्टूडेंट सारे वहां पे पेपर करने पाने वो दिन रात काम करेंगे, उनके अंदर प्रेशर होगा कि आवाम में हमें, हम कभी भी मार नहीं खाते, हम तो घर वाले ना हमें गाली देते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर घर वाले किसी दरवाजे में खड़ा हो गए बाहर मोहल्ले वाले समझने वाले तो कहते हैं प्रॉब्लम आ गई, हमारे अंदर एक वो इतनी हो गया होना कि यार ये सोसाइटी जो है इस काम में, तो जब आपका नाम संपर्क करें यहाँ पे आपके कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आपका पेपर जो है उस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करवाना है, ये डेट दे दी है, स्टूडेंट ने एब्सट्रैक्ट लिखी है, ये लिखी है, तो आप अपनी मैडम या सुपरवाइजर नहीं काम करते हैं, जो दुनिया है जिसको सामने मेरा नाम चला गया उसने जूते मारने पकड़ के मिले, जो जनरल सी बात है, तो कहने का मकसद ये होता है कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस पेपर को पकड़े चले, फिर आपके अंदर पैशन डेवलप होता है, फिर आप उन चीजों को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करते हो, और जब आप पेपर लिख लेते हो तो महीना लगता है, 2 महीना थीसिस लिख लेते हो। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, जब मैंने रिसर्च पेपर लिखा उसके बाद 3 या 4 दिन मैंने और लिखा, बैठ के मेरा थीसिस हो गया, सही बात है, 3 से 4 दिन मैंने और लिखा, क्योंकि पेपर लिखते लिखते इतना उसमें था, ये भी छोड़ दिया पेपर में, ये भी डाल दिया, डाल दिया थीसिस में डाल दूंगा। इसके मतलब आपके जब पेपर होगा फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको है ही कुछ नहीं आप एक्सपेंड किसको करेंगे, फिर आपको मसले ज्यादा आएंगे उसके अंदर, यू आप कहता व्हाई यू विल बी फोर्स टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थॉट कंसाइजली कि आपने कौन कौन सा थीसिस पार्ट करना, क्योंकि जो थीसिस है वही पेपर है ना बेसिकली, तो आपको पेपर में पता चल जाता है कौन से न्यू आइडियाज को शामिल करना है, यू विल अवॉइड राइटिंग ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट नोबडी रीड दैट व्हाट इज योर मेन कंट्रीब्यूशन, तो आप कहते हैं ये रेलेवेंट चीजें इनको निकाल दो, इसको नहीं शामिल करना है, you will be well on your way to getting your work published so that researcher will actually read it, to aap wo likhte ho paper mein cheeze jo waqai worth wali hoti hain, warna dusri to aap time waste karenge, you will acquire the skill necessary to describe your work to the research community,
जब आप पेपर लिखते थे ना आपको पता रहता है लिटरेचर रिव्यू क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, फ्यूचर सर्च क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कंक्लूजन। जब हम चीजें को बेसिक ना रहता फिर आप लिखते हो। जब आपको पता ही नहीं, आपने जिंदगी में कभी रिसर्च मुकम्मल ही नहीं की है, हाँ मैं सुपरवाइजर नहीं होकर ये करूंगा, ये कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हम देख रहे जब सेमेस्टर के स्टार्ट पे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए वही बुक्स मुश्किल होती है। टीचर मुश्किल चैप्टर का आधा चैप्टर मुकम्मल करवा के जाता है, और जब पेपर की रात आती है अगर वो 36 चैप्टर्स थे तो 36 के 36 अब तैयार करके पूरे बेहतरीन परफेक्ट करके पेपर में क्लियर होने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा माइंड एक्सेप्ट करने की देर है, तो हमारे माइंड को डेडलाइन मिलनी चाहिए, हमारे माइंड को प्लान मिलना चाहिए। नो प्लान नो डेडलाइन आप सच नहीं कर सकते, बस स्टेटली आप सबके बोलते हैं। तो दिस इज अ सेकंड थिंग नाउ कि आपने जब भी चीजों को मत करना है तो डेडलाइन नहीं, आप अपने बेसिक जनरल को पकड़े, कॉन्सेप्ट को पकड़े, उसको टारगेट बनाना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली आपसे डेवलपमेंट आए। या फिर हमारी पेड़ सर्विस ले रहे, फिर हम डंडा लेके आपके ऊपर जाना वो खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई आप ही करने हैं। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ, ऐसे सर करनी है, सुपरवाइज करना है, तो जब आप पहले ये बॉन्ड साइन करें मेरे साथ, फिर आगे बात करेंगे हम, उसके बगैर नहीं हम काम कर सकते। उसमें हम चारा नहीं है जब तक आपको वो कहते हैं इग्निट करना, जब तक आप लोगों को आग नहीं लगाई जाएगी, आपके दिमाग में प्रेशर डाला जाएगा, आप काम करने वाले में से नहीं है। इवन एनसीबी में जो हमसे पहले स्टूडेंट है वो टाइम हो गया, इवन वन ईयर बाद लोगों ने अपना प्रपोजल दिया, तो हम लोगों को यही था कि प्लीज फोर मंथ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपने साइन ऑफ में बहुत ज्यादा डिले कर दिए, तो कहते हैं कि इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन फर्क में बात है कि आपकी सोच है, तो आपके ऊपर भी ये वक्त आ रहा है, तो आप पहले से इतना तैयार हो गए बैठ जी। मैं से कह रहा हूँ, जब मैं अपनी सच में था, मैं अपने सीनियर के साथ डिफेंस दिया था, सर को हर क्लास में पहले, बट ये सब आकर